अस्सलाम वालेकुम, मैं प्राइमरी लर्निंग बाय सबा। आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और आप मुझे देखकर और मेरी थीम देखकर तो समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस लिए है या फिर किस लिए स्पेशल होने वाला है। आज वीडियो आप समझ ही गए होंगे कि ये 15 अगस्त पे स्पेशल होने वाला है आज का वीडियो। तो आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ और वीडियो पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। और आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बच्चों में शेयर कीजिए, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्राइमरी लर्निंग बाय सबा को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस जो मैं बच्चों के लिए एजुकेशनल बनाती हूँ, पेरेंट्स के लिए बनाती हूँ, टीचर्स के लिए बनाती हूँ, तो वो आपको अपडेट मिलते रहें। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको एक शेर कहना चाहूँगी अपने हिंदुस्तान के लिए। मेरी जमीन मेरा आसमान सब कुछ है, मेरी जमीन मेरा आसमान सब कुछ है, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान सब कुछ। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। पहले हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये अंग्रेजों के कब्जे में था। यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज हम पर जुल्म करते थे। तो उस वक्त 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क को आज़ादी मिली थी और ये दिन हम हर साल आज़ादी के जश्न के तौर पर मनाते हैं। इस दिन हमारे बहुत से रहनुमा शहीद हुए थे तो हम उनकी शहादत को भी याद करते हैं। और 15 अगस्त को जो राष्ट्रपति है वो लाल किला जाते हैं, वहाँ पर वो तिरंगा लहराते हैं और 15 अगस्त के जश्न को मनाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यहाँ पर भी कौमी त्यौहार के तौर पे 15 अगस्त मनाया जाता है। इस दिन तिरंगा लहराया जाता है स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को बुलाया जाता है, तकरीरें होती है, नज्म पढ़ी जाती है, सबसे पहले राष्ट्रगीत होता है और बहुत से प्रोग्राम को मुनक्किद किया जाता है। और जो सरकारी ऑफिसेस है, जो सरकारी दफ्तर है, जो गैर सरकारी दफ्तर है, वहाँ पर भी तिरंगा लहराया जाता है, प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं और 15 अगस्त को इस तरीके से मनाया जाता है। हम हर साल 15 अगस्त को आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। तो मैं आपसे एक और बात कहूँगी यहाँ कि हर साल तो हम स्कूल में जाके मनाते हैं, हर साल हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चे और वहाँ हम मना लेते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से ऐसा हुआ है, एक साल से ऐसा हुआ है कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू है। अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू है तो हम जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में मेरे कुछ बच्चों ने, मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ वीडियोस शेयर किए हैं 15 अगस्त के लिए, कुछ तकरीरें कही हैं, किसी ने कुछ नज़्म गाए हैं। तो मैं आपको उनके वीडियोस को शेयर करना चाहूँगी और माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहे है, इसीलिए मैंने ये वीडियो यहाँ बनाया है कि ताकि मैं आपसे भी उनके वीडियोस को शेयर कर सकूँ। बच्चे सेकंड स्टैंडर्ड के हैं और बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो देखिए उन्होंने 15 अगस्त में क्या कहा है। प्राइमरी स्कूल
15 अगस्त की आज आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये दिन हम सबके लिए बहुत खास है। पंद्रह अगस्त 1947 को हमारे मुल्क अंग्रेजों से आजाद हुआ था, इसलिए ये दिन बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। जनाबे सर, प्रिंसिपल साहब, मेहमान खुसूसी, असातिज़े इकराम और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सफ़ान अहमद है। मैं मोहम्मद उर्दू प्राइमरी स्कूल का सेकेंड ए का तालिबे-ए-इल्म हूँ। आज 15 अगस्त इस यौम आज़ादी के मौके पर मुझे एक किरदार पेश करने का मौका मिला है, इसलिए मैंने हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम जनाब मौलाना अबुल कलाम आजाद के उन्हीं की तकरीर के कुछ चंद जुमलों के साथ पेश करता हूँ। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर एक जिम्मेदारी के एक तकाजे होते हैं और वो तकाजों को पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती है जो चलते हैं, जो पांव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें ठोकर कभी नहीं लगती। दिखते वही है जो दौड़ेंगे। आज आजाद हिंदुस्तान में आप अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं।
आपको याद रखना चाहिए कि तरह तरह के आजमाइशें पेश आएंगी। अगर आपने जिम्मेदारी का बोझ उठाया है तो तरह तरह की परेशानियां भी पेश आएंगी। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, मर्द बनकर इन तमाम जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए और इन परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।